अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लास्ट के टॉपिक में हमने पढ़े थे हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। थोड़ा सा मैं फिर से कैप करूंगी। दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। आई होप आपको अभी याद ही होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो एक एक करके ये सारे हार्मोन्स हमने पढ़े, इनकी क्या फंक्शंस है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। दो हार्मोन्स है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, फर्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड वन इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एज वेल एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दोनों हार्मोन्स सिंथिसाइज होते हैं बाय द सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की सेल्स सिंथिसाइज करती है ऑक्सीटोसिन को और एंटी डायूरेटिक हार्मोन को। देन थ्रू नर्व फाइबर्स ये माइग्रेट करते हैं टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, सिंथिसाइज कहां पे हुए, सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस में। उसके बाद ये माइग्रेट करते हैं अलोंग द नर्व फाइबर्स टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जहां पे फिर ये स्टोर होते हैं। ठीक है, सो पहले हम अब बात करेंगे ऑक्सीटोसिन पे। ऑक्सीटोसिन को पीटोसिन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को पीटोसिन भी कहते हैं। इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं और इसको बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो ये नाम क्यों पड़े हैं इस हार्मोन को, ये हम अभी आगे देखेंगे। सो ऑक्सीटोसिन दो टारगेट टिश्यूज पे इफेक्ट करता है ज्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी, ज्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी। ये दो टारगेट टिश्यूज पे इफेक्ट करता है, एक तो मदर्स यूट्रस, पे इफेक्ट करता है ऑक्सीटोसिन और ब्रेस्ट्स पे। अब हम देखेंगे ज्यूरिंग डिलीवरी क्या करता है ये और आफ्टर डिलीवरी क्या करता है। तो ज्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, ऑक्सीटोसिन एनहेंस करता है जो यूट्रस में स्मूथ मसल्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन एनहेंस करता है उनकी कंट्रैक्शन, रिजल्टिंग इन द डिलीवरी और पार्चुरेशन। सो डिलीवरी के ज्यूरिंग क्या किया ऑक्सीटोसिन ने,
ऑक्सीटोसिन कंट्रैक्ट करता है जो यूट्रस में स्मूथ मसल्स है विच रिजल्ट्स इन डिलीवरी और यू कैन से पार्चुरेशन, ठीक है, इसलिए इसको नाम पड़ा है बर्थ हार्मोन. इज इट क्लियर? सो दिस वॉज ड्यूरिंग डिलीवरी की यूट्रस पे जब इसका मदर्स यूट्रस टारगेट टिश्यू था. सो नेक्स्ट इज आफ्टर डिलीवरी. आफ्टर डिलीवरी ऑक्सीटोसिन का रोल क्या है? ये स्टिमुलेट करता है मिल्क इजेक्शन, तभी नाम पड़ा है मिल्क इजेक्शन हार्मोन. तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इसको आप प्रोलैक्टिन के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे. प्रोलैक्टिन का काम था मिल्क प्रोडक्शन इन मेमोरी ग्लैंड्स, लेकिन ऑक्सीटोसिन का काम है मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है. जब बच्चा फीड करता है तो निपल्स पे स्टिमुलस मिलता है, ठीक है. तो स्टिमुलस जब मिलेगा दैट गोज टू द हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन. सो आफ्टर डिलीवरी ऑक्सीटोसिन किस लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स. इज इट क्लियर? नाउ ये ऑक्सीटोसिन सिर्फ फीमेल्स में, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है उनकी में प्रेजेंट नहीं होता है. ऑक्सीटोसिन मेल्स में भी प्रेजेंट है, ऑक्सीटोसिन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी प्रेजेंट है, ठीक है. तो मेल्स में और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में इसका रोल क्या है, ठीक है. क्लियर तो नहीं है मेल्स में और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन का रोल, बट ऑक्सीटोसिन को कहा गया है इट इज अ बॉन्डिंग हार्मोन या यू कैन से लव हार्मोन. क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल है दो ह्यूमन बीइंग्स में जो बॉन्डिंग होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और ये डेवलप करता है इमोशनल बॉन्डिंग. ऑक्सीटोसिन डेवलप करता है इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग्स. यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ कि फीमेल्स जो है ये ज्यादा रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन, ये एज कंपेयर टू मेन विमेन ज्यादा रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन. एंड दैट इज द रीजन कि फीमेल ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होती है एज कंपेयर टू मेन. यू माइट हैव सीन कि हम बोलते रहते हैं कि मेल्स जो है वो स्ट्रांग, उनमें स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं है, स्ट्रांग अफेक्शन नहीं है. एक्चुअली दैट्स नॉट देयर फॉल्ट. फीमेल्स में ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है एज कम्पेयर टू मैन. दैट इज द रीजन फीमेल्स गेट अटैच्ड स्ट्रांगली एज कम्पेयर टू मैन. इन एडिशन एक्सपेरिमेंट्स हैव सजेस्टेड ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल है पेरेंटल केयर टेकिंग बिहेवियर के लिए, ठीक है. तो मेल्स में और फीमेल्स में एक्सपेरिमेंट्स ने सजेस्ट किया है कि पेरेंटल केयर टेकिंग बिहेवियर के लिए भी ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल है. इन एडिशन टू इट ऑक्सीटोसिन कैन आल्सो बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल प्लेजर. सेक्सुअल प्लेजर ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंटरकोर्स, उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल हो सकता है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द ऑक्सीटोसिन.